नमस्कार, बुलेटिन में आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। अजमेर में डेंगू का कहर लगातार छा रही है। जहां डेंगू के पिछले पांच साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 2015 में 600 से ज्यादा केस सामने आए। अगर बात की जाए 2021 की तो 550 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। लेकिन हर रोज जिंद के सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों की जो सैंपलिंग है वो की जा रही है। इतना ही नहीं, सिविल अस्पताल में डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड भी है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बताते चले, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गोपाल गोयल का कहना है कि मरीजों के वार्ड में मच्छरदानी भी लगाई गई है ताकि मच्छरों से मरीजों को बचाया जा सके। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, इसलिए अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे। तो लगातार प्रशासन आप सभी से यही अपील कर रहा है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और सफाई बना करके रखें। तो डेंगू के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं सैंपलिंग भी लगातार की जा रही है। तो जिनसे आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार रिकॉर्ड टूटता चला जा रहा है डेंगू का, और लगातार डेंगू के आंकड़े सामने आते चले जा रहे हैं। 2015 में 600 से ज्यादा केस आए थे, वहीं 2021 में अब तक 550 से ज्यादा केस आ चुके हैं। हर रोज जिंद के सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों की सैंपलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, सिविल अस्पताल में डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड भी बनाए गए हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से हर एक बेड पर मच्छरदानी लगाई गई है ताकि मरीजों को मच्छरों से बचाया जा सके। और डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है, इसलिए डॉक्टर भी लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि आप अपने आसपास गंदगी ना बनाएं, सफाई बना करके रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर सुबह ही काटता है और दिन में ही काटता है, और साफ तौर पर यह साफ पानी में ही पाया जाता है। इसलिए आप भी आसपास के एरिया में सफाई बना करके रखें। और अगर बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन भी लगातार फॉगिंग करवा रहा है ताकि किसी तरीके से डेंगू से निपटा जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, 2015 में 600 से ज्यादा केस सामने आए थे, लेकिन अगर बात करते हैं 2021 की तो 550 से ज्यादा केस आ चुके हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 2 दिसंबर को विद्यापीठ के मंदिरों की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन हर दिसंबर को किया जाता है, जो 4 दशकों से चला आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के आशीर्वाद से विद्वान ब्राह्मणों और ब्रह्मचारियों द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। जयराम संस्थानों के मीडिया प्रभारी राजेश श्रृंगला ने बताया कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से उत्पन्न हुई पावन श्री गीता के जन्मोत्सव गीता जयंती महोत्सव 2021 का शुभारंभ भी है। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी एवं संत महापुरुषों द्वारा होगा। श्रृंगला ने बताया कि आप इस मौके पर नगर के गणमान्य नागरिकों, विद्यापीठ के ट्रस्टियों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में यह आयोजन किया जाएगा। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के आवाहन के लिए हनुमंत ध्वजारोहण भी किया जाएगा। विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव की यह परंपरा 1991 से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि जयराम विद्यापीठ लगातार इतने सालों से गीता जयंती महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस वर्ष भी गीता जयंती के पावन अवसर पर श्री जयराम विद्यापीठ एवं श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष श्री ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 2 दिसंबर से जो कार्यक्रम है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर श्री जयराम विद्यापीठ के अंदर मूर्तियों की, मंदिरों के अंदर जो मूर्तियों की स्थापना 2 दिसंबर को आज से लगभग 4 दशक पहले की गई थी, उसका वार्षिक उत्सव, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं उसके साथ साथ गीता जयंती के अवसर पर गीता अध्याय गीता यज्ञ का शुभारंभ 2 दिसंबर को प्रातः 11 बजे श्री जयराम विद्यापीठ के प्रांगण। गीता जयंती महोत्सव जयराम विद्यापीठ में भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष गीता जयंती महोत्सव के प्रारंभ से पूर्व 2 दिसंबर को जयराम विद्यापीठ परिसर में जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी द्वारा जहां ध्वजारोहण किया जाएगा, वहीं गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। गीता जयंती महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही 2 दिसंबर को जयराम विद्यापीठ में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर जहां नगरवासी शामिल होंगे, वहीं श्रद्धालु भी शामिल होंगे। बता दें कि पिछले 40 वर्षों से जयराम विद्यापीठ में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा
का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधिवत पूजन किया जाता है। इस बार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ ही गीता जयंती महोत्सव का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहा है। इस संबंध में जयराम संस्थाओं के मीडिया प्रभारी रजेश सिंगला ने विस्तार से जानकारी दी। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। जो इस साल हरियाणा में डेंगू के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती दिखी, तो अगर हम बात करते हैं अंबाला की, तो अंबाला से एक राहत भरी खबर सामने आई है। जी हाँ, अंबाला में डेंगू के आंकड़े पिछले 7 सालों के मामलों को पार कर गए थे, लेकिन अंबाला से अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। डेंगू के मामलों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पॉजिटिविटी दर जो है वो 5% तक नीचे पहुंच गया। तो अंबाला में जो आंकड़े थे वो कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से फॉगिंग की जा रही है और दवाइयों का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो डेंगू का मच्छर है वो पनप ना पाए। अब तक अंबाला में 676 मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी जल्द ही अंबाला के डेंगू मुक्त होने की उम्मीद भी कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, अंबाला के डेंगू मुक्त होने की उम्मीद लगातार स्वास्थ्य अधिकारी जता रहे हैं। पूरे हरियाणा में इस साल डेंगू के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए, लेकिन अंबाला से फिलहाल राहत भरी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि अंबाला में डेंगू के आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। डेंगू आज तक अंबाला में 676 मामले आए हैं, और अब जो है डेंगू के जो केसेस हैं में डिक्लाइन काफी मात्रा में आ चुका है, और अब 2 सिंगल डिजिट हैं। कुछ एक हफ्ते से जो है लगभग 10 से कम ही केसेस आ रहे हैं अंबाला में, और इसमें ठंड का भी है कि ठंड की वजह से मच्छर और जो लार्वा या एग हैं उनके ऊपर वो या तो उसमें डेथ मच्छरों की तो वो मर जाते हैं, या फिर जो वो हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं जो अंडे हैं। तो फिलहाल तो डेंगू की स्थिति अब कंट्रोल है। जुराना में जगह जगह पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को दूसरे धर्म संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के जुराना के स्थानीय पार्षद और बजरंग दल के सदस्यों ने ऐतराज जताया है और कार्यक्रम के आयोजकों को कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा। इससे लेकर काफी हंगामा चला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने स्थानीय पार्षद के साथ साथ तालमेल बनाने की कोशिश की। वहीं बजरंग दल और हिंदू सभा के लोगों ने कहा कि क्षेत्र में धर्म परिवर्तन लगातार हो रहा है, ऐसे में अब किसी भी प्रकार का कार्यक्रम दूसरे धर्म का यहां नहीं होने दिया जाएगा। जुराना के अंदर धर्म परिवर्तन का कारोबार बहुत जोरों से चला हुआ है, ये मैंने कल अपने आंखों से देखा। कल मैं अपने खेत में काम कर रहा था, आशी रोड पे पड़ता है, और रोड से 2 किले ही पीछे खेत होते हैं। तो कल मैंने देखा भी आवाज आ रही थी अलग तरह, जैसे मैंने सोचा पहले कहीं शादी वादी होगी, कोई ना कोई विवाह कार्यक्रम होगा। तो फिर मैंने पता किया अड़ोसी पड़ोसी, तो उन्होंने बताया भी यहाँ हर सप्ताह रविवार को टेंट लगा के धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, हर बार कुछ नए लोगों को वहां बुलाया जाता है। तो जैसे ही मैंने मौके पर जाके देखा, फिर मैंने बजरंग दल के कुछ साथियों को फोन किया। बजरंग दल में हमारे यहाँ रामगली से हैं हरीश जी, और जुराना से हैं रिटायर्ड मास्टर विश्वेंद्र शास्त्री जी, चाचा जी मेरे। तो कुछ साथी आए, फिर वहां मैं जैसे मौके पहुंचा तो मैंने देखा कि बाइबल रखी हुई थी, और जैसे आप देखो कि वीडियो बना रखी है वहां लाइव भी, उस वीडियो के अंदर लिखा रखा है बाइबल रखी हुई है। वो सोनू नाम से जो लड़का है मदीना का पड़ता है, उसका लुहाना मदीना, तो वो प्रवचन दे रहा है। उन्होंने ऐसे हाथ कर रखे थे, क्रॉस का निशान कर रहे थे।
कुरुक्षेत्र में गरीब परिवारों को कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। लगभग 50 गरीब परिवार जो बिहार यूपी से आकर भट्टा लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको 100 कंबल वितरण किए गए हैं और जरूरतमंदों में पहनने लायक गर्म वस्त्र भी बांटे गए और छोटे बच्चों को मिष्ठान का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में संयोजक पवन गुप्ता भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भट्टे की तरफ से बलजीत ने पूरा सहयोग दिया है। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज रौंदा मोड़ पर आने जाने वाले सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टैप लट लगा दिया। आपको बताते चले, जिससे सर्दी के मौसम में होने वाले एक्सीडेंट से बचाव हो सके। आपको बताते चले, ट्रैफिक पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रही है, जिससे सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से होने वाले एक्सीडेंट से बचाव किया जा सके। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा, साथ ही साथ रोड पर घूमने वाले आवारा पशुओं के सींगों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाएगा ताकि कोई भी हादसा ना हो सके। लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करी है। तो आपको बताते चले, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया जा रहा है, जिससे सर्दी के मौसम में हादसों से बचा जा सकता है। आज जैसे फॉग सीजन, धुंध का सीजन स्टार्ट होने वाला है और इसमें हम साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, इनके रिफ्लेक्टिव टेप लगा रहे हैं ताकि आने वाले सीजन में, धुंध के सीजन में उनका एक्सीडेंट ना हो। इस बार हमने आवारा पशुओं के सींग है उनके ऊपर भी रिफ्लेक्टिव टेप लगाए हैं ताकि वो भी जो एक्सीडेंट का कारण ना बने और किसी के प्राण हानि ना हो। करनाल पुलिस ने नीलोखेड़ी के रहने वाले अमनदीप हत्या मामले में अमनदीप की पत्नी रविंदर कौर, प्रेमी सन्नी और उसके दोस्त कुणाल को गिरफ्तार किया, जबकि एक और आरोपी मनी अभी फरार है। पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल करेगी। पुलिस ने बताया कि रविंद्र कौर उर्फ रिम्पी का अम्बाला के सन्नी से स्कूल के समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो शादी के बाद भी जारी रहा। इसी के चलते अमनदीप की पत्नी और उसके प्रेमी ने जाल बिछाकर अमनदीप की हत्या कर दी है। तो पति की हत्या कर दी है पत्नी और प्रेमी और दोस्त ने मिलकर के, जो इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर और प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करवा दी। तो करनाल पुलिस ने नीलोखेड़ी के रहने वाले अमनदीप हत्या मामले में अमनदीप की पत्नी रविंद्र कौर, प्रेमी सन्नी और उसके दोस्त कुणाल को गिरफ्तार किया है, जबकि एक और आरोपी मनी अभी फरार चल रहा है। पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल करेगी। पुलिस ने बताया है कि रविंद्र कौर उर्फ रिम्पी का अंबाला के सनी से स्कूल के समय प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी के बाद भी चलता रहा, जिसकी वजह से पति की हत्या करवा दी गई। करनाल पुलिस ने नीलोखेड़ी के रहने वाले अमनदीप हत्या मामले में खुलासा कर दिया है। अमनदीप की पत्नी रविंद्र कौर, प्रेमी सनी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। नारनौंद में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर के लगातार बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। नारनौंद में बिजली कर्मचारियों ने 11 से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नारनौंद सब डिवीजन के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। सब डिवीजन यूनिट के प्रधान रोहताश शर्मा ने कहा कि राज कमेटी के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को बेचकर प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी महकमों का निजीकरण बंद किया जाए और खाली पदों को भरा जाए, साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए।
और जींद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, व्यापारी श्याम सुंदर हत्याकांड का यह पूरा मामला। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र और बलजीत पर इनाम घोषित किया गया है, 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। जींद से बड़ी खबर, व्यापारी श्याम सुंदर हत्याकांड का यह पूरा मामला। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र और बलजीत पर इनाम घोषित, 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित। पुलिस की 3 टीमें जांच कर रही हैं। दो दो लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की 3 टीमें जांच कर रही हैं। जींद से खबर आपको बता रहे हैं, व्यापारी श्याम सुंदर हत्याकांड का यह पूरा मामला। मुख्य आरोपियों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित किया गया है और अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। जींद से बड़ी खबर, मुख्य आरोपी धर्मेंद्र और बलजीत पर इनाम घोषित हुआ है, 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है, तो वहीं अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। जींद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य आरोपी धर्मेंद्र और बलजीत पर 2-2 लाख का इनाम घोषित। चरखी दादरी के लोग उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। तो चरखी दादरी से आपको एक खबर हम बता रहे हैं, जहां पर तिवाला के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और गांव में चकबंदी को लेकर के उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चकबंदी की जा रही है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी अफसर गलत तरीके से चकबंदी कर रहे हैं। अगर इस मामले की जांच अच्छे ढंग से नहीं की गई तो करोड़ों का मामला सामने आ सकता है। ग्रामीणों ने नए तरीके से चकबंदी करवाने की मांग भी करी है। गैर कानूनी तरीके से चकबंदी की जा रही है और उसमें कुछ लिमिटेड आदमियों को गांव का जो गैर मुमकिन पहाड़ है उसको अलाट किया गया है और गांव की जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है उसकी बंदरबाट की जा रही है और गलत तरीके से चकबंदी की जा रही है। उसके विषय में हम डीसी साहब से, जिला राजस्व अधिकारी डीआरओ से और तहसीलदार और नायब तहसीलदार से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ अधिकारी भी मोटा गोलमाल किए हुए हैं, जिसकी जांच की हमने मांग पहले भी की थी, आज भी करते हैं। पलटी जाओ। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक आज दोपहर 1 बजे शुरू होगी। बैठक पंजाब के सभी किसान नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। आंदोलन की समीक्षा के लिए यह बैठक की जा रही है। सोनीपत से बड़ी खबर, पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक आज होनी है और आंदोलन को लेकर चर्चा की जा सकती है। आंदोलन की समीक्षा करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। आंदोलन की समीक्षा के लिए हो रही है बैठक, पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक होनी है आज। सोनीपत से बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे शुरू होगी बैठक। सिरसा में तहसीलदार और वकीलों के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली है। जो आपको बताते चले, लगातार तहसीलदार और वकीलों के बीच यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था और उसके बाद यहां पर नोकझोंक देखने को भी मिली है। सिरसा के तहसील कार्यालय में तहसीलदार और सिरसा के वकीलों के बीच रजिस्ट्रियों को लेकर के विवाद में एक नया मोड़ आ चुका है। सिरसा बार एसोसिएशन ने सिरसा के तहसीलदार पर मनमानी ढंग से रजिस्ट्रियां करने का आरोप लगाया। वहीं बार एसोसिएशन के तहसीलदार के खिलाफ न्याय की जांच की मांग करते हुए
कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं सिरसा के डीसी अनीश यादव ने भी इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया। अनीश यादव ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और जांच का जिम्मा सिरसा के एसडीएम को सौंपा है। डिस्प्यूट कोई किसी निजी काम को लेकर नहीं था जी, मेरा बार प्रधान होने के नाते, और जो बार प्रधान होता है वो पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, और हमारे बहुत से वकीलों की शिकायत है कि मतलब तहसीलदार काम ही नहीं करता, हर आदमी के साथ उसको टालना, बहाने बनाना, अब नहीं करूंगा, ठहर के करूंगा, बाद में करूंगा, करूंगा नहीं, पता नहीं क्या क्या, इतनी मतलब बद्दी शब्दावली से, इतने बद्दे तरीके से पेश आता है। आम आदमी के साथ भी यही हाल है। तो इस मामले को लेके एक वकील साथी का निजी था, कोई उसकी ब्लड रिलेशन में रिलीज डीड का मामला था, वो चार बहनें अपने भाई के नाम करवाई थी, वो नहीं कर रहा था। इस मामले में मैंने पहले डीसी साहब को भी मैसेज किया, पहले कॉल की, उनका मैसेज आ गया कि मैं बिजी हूं, मैंने उसी पे द्वारा रिप्लाई कर दिया कि तहसीलदार इस प्रकार से डीड नहीं कर रहा। देखिए, पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो एसडीएम सिरसा को इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करा गया है। मामले की जांच करके जो एसडीएम सिरसा अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके उपरांत उचित कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी। शिकायत क्या मिली सर आपको? इसमें बेसिकली तो प्राइमा फेसा है, जो हमारे पास में वीडियो है सर, वही आई है, उसकी भी जांच है कि क्या क्या स्थिति उत्पन्न हुई जिस कारण ये स्थिति हो पाई वहाँ पे, तो इसकी पूरी जांच एसडीएम साहब कर रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट हमारे पास में आएगी उसके बाद में उचित कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी। तो शाम में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं, अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते भी चले जा रहे हैं। ऐसे में लोगों में अब डर का माहौल बन गया है। आपको बताते चले, ताजा मामला बनवारीलाल जिंदल महाविद्यालय से सामने आया, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक पर गोलियों की बौछार कर दी और जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो शाम में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते चले जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।